सच्चाई से बताना, ईमानदारी से सभी के सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या जिस दिन आपका एमबीबीएस कैलेंडर आता है आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, आप अपना एक टाइम टेबल बनाते हो कि नहीं बनाते हो कि अगले 6 महीने अगले 7 महीने में इस तरीके से तैयारी करेंगे अपन। हर कोई बना इस वीडियो को पूरी एंड तक एक बार जरूर देख लेना। बेशक मैं आपका 8 से 10 मिनट इस वीडियो में ले रहा हूँ, लेकिन 8-10 मिनट का टाइम कहीं ना कहीं आपके आरआरबी पीओ आईबीपीएस की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज करने वाला वीडियो होने वाला है। SBI आ गया, SBI के साथ निकल जा रहे हैं। LIC आ गया, SBI को छोड़ के LIC में चले जा रहे हैं। IBPS RRB आ गया, SBI को छोड़ के IBPS RRB भी चले जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी? उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपके साथ बात किया था एक वीडियो पे कि क्या आपने अपनी तैयारी शुरू करी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर अभी तो सबसे पहले SBI क्लर्क आएगा या फिर LIC का नोटिफिकेशन आएगा, तो क्यों RRB PO की RRB क्लर्क की तैयारी करना अभी क्यों शुरू करें? क्या हमारे लिए लेजिटिमेट है कि हम RRB PO की तैयारी करें, IBPS PO की तैयारी करें, IBPS क्लर्क की तैयारी करें, रादर देन कि SBI क्लर्क आएगा, LIC आएगा, LIC का AO आ जाएगा, ADO आ जाएगा, या फिर आपका LIC का कोई सा भी वैकेंसी आ जाए, आप असिस्टेंट की वैकेंसी आ जाए, तो उसके लिए तैयारी करना बेहतर है कि हम IBPS RRB के पीछे जाए, IBPS क्लर्क के पीछे जाए? तो ये कंप्लीट सेशन इसी पे होने वाला। ये कोई आपका टॉपिक रिलेटेड सेशन नहीं है जिसमें मैं आपके साथ क्वांट शेयर कर रहा हूँ, किसी क्वांट का कोई टॉपिक ले लो, चाहे मैं आपके पास साथ परसेंटेज शेयर कर दूं, SIC कर दूं, मैं इस सेशन में ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट ये सोच के है कि आपको कहीं ना कहीं कोई टॉपिक देखने को मिलेगा, डेफिनेटली यू कैन गो फ्रॉम देयर ऑल्सो। बट एक चीज आपके साथ गारंटी ले रहा हूं, इस सेशन के बाद अगर आपने तैयारी करना नहीं शुरू किया तो इस सेशन के बाद जरूर कर दोगे। एक ऐसा मोटिवेटेड सेशन लेके आ रहा हूं, डेफिनेटली मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रहेगी इस सेशन के बाद। जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके मन में ये कन्फ्यूजन हो कि अभी SBI करूं या LIC करूं या RRB की तैयारी करूं, क्यों? क्योंकि LIC अगर आप प्री मेंस का चेक करोगे तो डेफिनेटली मेंस का अलग हो जाएगा किससे, SBI से। अगर आप RRB को फोकस करोगे तो इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं है, तो सारी की सारी चीजें आप समराइज करके चल रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप समराइज के चक्कर में अलग अलग नोटिफिकेशन के साथ भी फ्लो के साथ निकल जाए। SBI आ गया, SBI के साथ निकल जा रहे हैं। LIC आ गया, SBI को छोड़ के LIC में चले जा रहे हैं। IBPS RRB आ गया, SBI को छोड़ के IBPS RRB भी चले जा रहे हैं। मतलब जो मान लो कि अगर आपके पास 60 से 70 दिन का टाइम है तो आप 30 दिन SBI को असिस्टेंट को दे रहे हो, आप 30 दिन LIC को दे रहे हो, आप 30 दिन RRB को दे रहे हो, रादर देन कि हम 30-30 दिनों का स्प्लिट कर रहे हैं। अगर एक ही एग्जाम पे 90 दिन का पूरा टाइम दे दे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा आपका? और सच्चाई ये है कि आपके पास टाइम जितना होना चाहिए उससे कम है, और टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला इस पे इंप्लीमेंट हो जाता है। अगर आपके पास आपको टाइम कम करना है, आपको अपनी एफिशिएंसी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उस टाइम को बढ़ा नहीं सकते कि कैसे, अगर मेरे पास सिर्फ 50 दिन है या 60 दिन है तो मैं 60 दिन को 70 दिन नहीं कर सकता, लेकिन मैं 60 दिन में अगर डेली का 8 घंटे पढ़ रहा था तो मैं 8 घंटे के बदले अगर 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मैं 60 दिन को 90 दिनों के बराबर बना सकता हूं। तो आप सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए चीजों को इंप्लीमेंट करो मत किया करो, आप अपनी लाइफ में भी कुछ चीजों को रिलेट किया करो। आपने SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन के चलते, LIC असिस्टेंट की नोटिफिकेशन के चलते एक चीज आपके माइंड से स्लिप कर गई कि अब आपको IBPS RRB PO में लेस देन 100 डेज बचे हुए हैं। आपके पास अगर आप एक बैंक एस्पायरेंट हो तो आपको पता है कि 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला दिन जनवरी में आपको देखने को मिलता है, मिड ऑफ जैन को जब आपका IBPS का कैलेंडर लॉन्च होता है, बहुत ही एनर्जाइज्ड होते हैं। और सच्चाई से बताना, ईमानदारी से सभी के सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या जिस दिन आपका IBPS कैलेंडर आता है आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, आप अपना एक टाइम टेबल बनाते हो कि नहीं बनाते हो कि अगले 6 महीने अगले 7 महीने में इस तरीके से तैयारी करेंगे अपन। हर कोई बनाता है कि नहीं बनाता है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मेरे को। सेकंड, 1st of April जब आपका फाइनल रिजल्ट बन के आता है IBPS का, जब 1st of April को आप नाम देखते हो ना, इन बच्चों का इन्होंने रैंक किया है, इन्होंने रैंक किया, कुछ बच्चे 0.5 कुछ 0.25 की वजह से छूट जा रहे थे, तो जो बच्चे छूट जाते हैं उनका थोड़ा बहुत डिप्रेशन आता है, बट स्टिल उनको ये बिलीव होता है कि वो कर लेंगे अगली बार, उनको थोड़ा सा बाउंस बैक करने की जरूरत है, दे विल अचीव द टारगेट। तो 1st of April को भी जिन बच्चों का सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ होता, मेंस में नहीं हुआ होता या फिर इंटरव्यू में भी नहीं होता ना, वो भी एक टारगेट सेट करते हैं, वो भी अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, वो भी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इस साल तो ले ही लेना है वैकेंसी। 10 दिन तक चलता है, 10 अप्रैल तक, 11 अप्रैल तक, फिर वो आपका धीरे धीरे स्ट्रेटेजी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी एनर्जी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और आप तैयारी करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। वेट करते हो किसको? कि नोटिफिकेशन आएगा तो कर लेंगे तैयारी। आपको अगर आप देखो RRB PO में आपका RRB PO का पेपर 9th of August है शेड्यूल, अगर जनवरी 20th को आपका IBPS का कैलेंडर आ रहा है तो 20th से लेके आपको कितना टाइम मिल रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कंप्लीटली प्लस 20 डेज, तो मतलब 6 महीना 20 दिन, कम से कम आपको 200 दिन का दे रहा है टाइम IBPS कि RRB की तैयारी कर लो। क्लर्क के लिए 60 दिन और बढ़ा दो, 260 दिन, पीओ के लिए 30 दिन और बढ़ा दो, 290 दिन, तो इतना टाइम आपको IBPS कंप्लीट दे रहा है आपकी तैयारी करने के लिए। लेकिन आप कर क्या रहे हो? पहली तैयारी, पहली बार एनर्जाइज हुए थे कब? जब आप नोटिफिकेशन IBPS का कैलेंडर देखा था। सेकंड,
आपने 1 अप्रैल को थोड़ा सा आपको बूस्ट मिला था कि नहीं नहीं सबका और है, मैं भी कर लूंगा, मैं भी सिलेक्शन ले लूंगा, मैं भी किसी बैंक में जाकर बैठ जाऊंगा। और तीसरा नोटिफिकेशन के दिन। तो ये गलतियां मत करो कि 10-10 दिनों के लिए आप एनर्जाइज्ड हो रहे हो, बूस्टअप हो रहे हो, फिर ठंडे पर जा रहे हो। सिलेक्शन के लिए मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 महीने की तैयारी आपको मैंडेटरी है। आप किसी भी एग्जाम का देख लो, आपको पता है कि 24 अगस्त को आपका पेपर खत्म हो रहा है आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का, और 26 सितंबर या 24 सितंबर को आपका मेंस का पेपर है। एक महीने में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप मेंस का क्वांट कर लोगे, मेंस का रीजनिंग कर लोगे, मेंस का इंग्लिश कर लोगे, और इतना करने के बाद टाइम बच भी गया तो एक महीने में आपका करंट अफेयर्स कवर नहीं होगा। करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में, जिन्होंने मेंस पहले लिखा उनसे जाके एक बार पता करके आ जाओ, तबियत प्रसन्न हो जाएगी कि कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और अब वो टाइम नहीं रहा कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है बता दो, मणिपुर का कैपिटल क्या है बता दो, कौन सी ये जो आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रहा है वो कौन से स्टेट में, अब ऐसा नहीं आता, निकल गया टाइम। वो पहले आता था कि बजट में कितना एलोकेट हुआ, कितना बजट के लिए कितना पैसा एलोकेट हुआ एग्रीकल्चर में, अब एग्रीकल्चर में किस सेक्टर में कितना पैसा गया वो आपसे पूछ रहे हैं, पिछले 3 सालों का बजट पूछ रहा है एसबीआईपीओ। तो तैयारी करने के लिए टाइम ज्यादा नहीं है, आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा काम करना पड़ेगा। कितने लोग डेली का मॉक लगा रहे हो, और मॉक लगाने के बाद भी कितने लोग ऐसे जो एनालाइज कर रहे हैं, मॉक लगाना इज नॉट द बिग डील, 1 घंटे बैठ के कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेगा, लेकिन 100 क्वेश्चन में से आपके अगर 60 क्वेश्चन सही हुए तो 40 क्वेश्चन जो गलत हुआ उसको एनालाइज कौन करेगा कि 40 क्वेश्चन किस टॉपिक के गलत हुए। मेरे को जब भी मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट लगा रहा मेरे ये 40 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये चीजें कौन फिगर आउट करेगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, 1 मई या डेट है, आप लेबर डे बनाते हैं ना सभी के सभी, लेबर डे मजदूर दिवस है, आज के आज अपना टारगेट फिक्स करो। 98 डेज बचे हुए आपके आरआरबी पीओ एग्जाम में, तो 60 डेज का प्लान फिक्स करो ताकि बाकी का 28 दिन आप अपने रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए रख पाओ, कि दिन का 2, दिन का 3, दिन का 4 मॉक तक लगा पाओ उस टाइम पे। लेकिन 60 दिनों में पूरा कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस आना चाहिए, और उस 60 दिनों को आप 90 डेज कैसे बनाओगे, उस 60 दिनों को आपको 80 डेज कैसे बनाना है, या कुछ लर्नर ऐसे भी होंगे कि 60 दिन को 20 दिन में समेट के समेट के रख देंगे। आपको ये चीज आप पे डिपेंड करता है कंप्लीटली, आप 60 को 90 बनाते हो या 60 का 60 दिन आप ऐसे ही फालतू सो के निकाल दे रहे हो। अगर सो के निकालना है बैंक की नौकरी की तैयारी करना आज से छोड़ दो, क्योंकि टाइम वेस्ट है ना। बच्चे 8-8 घंटे के बदले 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन की गारंटी 1% है आपकी, इतने फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जितना लाखों में फॉर्म फिलअप हो रहा है हजारों में वैकेंसी है आपकी। आज के आज आपका बनना चाहिए स्ट्रेटेजी, किन्होंने स्ट्रेटेजी बना ली है एक प्यारा सा कमेंट, एक छोटा सा कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है। और अगर इस वीडियो के बाद, अगर इस वीडियो के बाद आपको ना मिले मोटिवेशन, अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिर भी चलो सो जाते हैं, तो एक बार अंकुश लांबा सर की वीडियो देख लेना, सो रहे थे क्या आप, या फिर कपिल काटपासर की कर भी सच्चाई वाली वीडियो देख लेना। और अगर उसके बाद भी अगर आपका खून गर्म ना हो ना पढ़ाई के लिए, छोड़ देना तैयारी करना। तो उम्मीद है ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप तक जिस भी कॉन्सेप्ट के थ्रू पहुंचा है, अगर आपके फ्रेंड ने शेयर किया, यूट्यूब ने रिकमेंड किया, या फिर आप वही सर्च करने चले गए एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन कब आएगा और आपको ये वीडियो दिख रही हो, तो जरूर अगर फ्रूटफुल लगाओ तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके कोई भी यार दोस्त है जो तैयारी करना चाहते हैं, जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं लेकिन वो कुछ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।